نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو الأقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آية 199 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ الأفو इख्तियार कीजिए दरगुजर को वमर और हुक्म दीजिए बिल उर्फ नेकी का व आरद और एराज कीजिए अनिल जाहिलीन जाहिलों से तो क्या तर्जमा है इसका के इख्तियार कीजिए दरगुजर को और हुक्म दीजिए नेकी का और एराज कीजिए जाहिलों से ये जो आयत है सुबहानल्ला हमारे दीन का उसूल बयान करती है यह आयत ये आयत के चंद अल्फाज जो हैं इसमें पूरा दीन और उसके अखलाक को किरदार सिमटे हुए हैं इसमें और ये आयत दुनिया और आखरत की सादतों की चाबी है इंसान इस पर अगर अमल कर ले तो दुनिया भी उसके लिए जन्नत बन जाए और आखरत में भी वो उसको इनशाला जन्नत नसीब हो तो देखें क्या फरमाया जा रहा है इसमें कि दरगुजर इख्तियार कीजिए तो बज़ाहिरसायत में बज़ाहिर रसूल वसल्लम से खिताब है लेकिन आप, आप वसल्लम से खिताब है लेकिन उनके बाद हर एक इंसान के लिए नसीहत है और किसके लिए इस्पेशली ये नसीहत है हर एक के लिए है लेकिन इस्पेशली वो लोग जो दीन की दावत का काम करते हैं जो दाए दीन हैं उनको जो है अखलाकी तरबियत की जा रही है और बाकी सभी को की जा रही है आम जिंदगी के मामला में भी और दीन की दावत में भी तो फरमाया इख्तियार कीजिए दरगुजर को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ अख्तियार कीजिए अब अब्दुल तो रहमान बिन जैद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने आप सल्लम को ये हुक्म दिए रखा कि आप मुशरिकों को माफ कर दें और दरगुजर से काम लें। चुनाचे आपने मक्का में दस साल तक उनकी मुशरिकों की तरफ कोई खास तवज्जो ना दी क्योंकि यही हुक्म था बाज मुफसरीन इसका मतलब क्या लेते हैं कि तजस ना करो और लोगों के अखलाक और अमाल के बारे में अफ और दरगुजर से काम लो तो ने ये बीस का मीनिंग लिया है हिशाम पर नजील तन रवायत करते हैं अपने वालद से रसूल वसम को यह हुक्म दिया गया कि आप लोगों की आदात और तौर तरीकों के बारे में अफ इख्तियार करें दरगुजर इख्तियार करें सही बुखारी की एक हदीस है उसमें खुजिल अफ के मायने में क्या आता है कि लोगों के अखलाक में से अफ को ले लो इस आयत के बारे में इमाम इब्ने जरीर और इमाम अबू हातिम वो फरमाते हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत नाजिल हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा हाजा या जबरील ए जबरील इससे क्या मुराद है मतलब अफ से क्या मुराद है तो अलैहि सलाम ने कहा अल्लाह ताला ने आपको ये हुक्म दिया है कि जो आप पर जुल्म करे आप उसे माफ कर दें जो आपको ना दे आप उसे दें और जो आपसे ताल्लुकी करे आप उससे मिलकर रहें तो ये सारी चीजें अफ खुजल अफ में आ जाती हैं ठीक है? है अफ कहते किसे हैं अफ कहते हैं जो इसका मा, होता होता है मिटा देना लेकिन असला जो होता है बहुत सारे मायने किए गए हैं इसके अफ के जैसे इसका मायना किया है गुनाह से दरगुजर करना कुदरत रखने के बावजूद किसी को नुकसान देने से रुक जाना हर वो शख्स जो सजा का हकदार हो उसे सजा ना देना उसके अलावा देखें अफ़ का मीनिंग में खालिस और उम्दा चीज भी आता है इसी तरह जाए जो जरूरत से ज्यादा चीज माल है उसको भी अफ कहते हैं आसान काम को भी अफ कहते हैं अफ़ मतलब जैसे हर ऐसे काम को अफ कहते हैं जो आसानी के साथ बगैर मुशक्क़त के हो सके और अफ में दिल से माफ कर देना भी आ जाता है ठीक है यानी कि आप वसलम को कहा जाना है ना खुजल अफ यानि कि ए पैगंबर जिस तरह आपका वास्ता गैर मुसलमानों से है इसी तरह आप, आपने जो आपके जो फर्मा बंदे हैं जो अल्लाह ताला के फर्मा बंदे हैं जो आपकी इतात करते हैं आपकी बात मानते हैं तो उन फर्मा के हवाले से ये हिदायत है कि आपकी इतबा और इतात में यानि कि ये जो लोग हैं अगर आपकी इतबा और इतात में या इबादत की अदायगी में बज़ाहिर मुसलमानों में से अगर कुछ कमी भी हो जाए ना तो आप उसे कबूल कीजिए क्या मतलब यानी कि आप आला मैार का नमूना देते हुए इस पर इशरार ना करें कि पहले ये इतने नेक बने तभी इनकी नेकी कबूल होगी क्योंकि ये लोग धीरे धीरे खुद आला मैार को पहुंच जाएंगे लेकिन अभी शुरुआत है ना अभी इब्तदा में आपका जो रवैया है इन लोगों के लिए निहायत नरमी और सहूलत वाला होना चाहिए यानी कि क्या मतलब हुआ? आसानी के साथ बगैर मुशक्कत मुख, से जो हो सके इन लोगों से वो ले लो है ना और इन लोगों की अभी तरबियत नहीं हुई है उनकी बुराइयों से इसलिए अभी दरगुजर करो माफ कर अखला की मायना क्या आया था? दिल से माफ कर देना यानी कि अब जब इंसान दीन की दावत देता है या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब दावत दे रहे थे तो उनकी भी मुखालफें हो रही थी दीन का पैगाम आगे पहुंचाने में उनको अजियतें भी दी जा रही थी तो इसमें यह भी माना आ जाता है कि सबर करें सबर करना इस रास्ते में लाजमी है दरगुजर करें सबर करते हुए इन लोगों के साथ और आप ने देखे ना किस तरह ये अफ का मामला किया फतेह मक्का पर है ना किसी से कोई बदला नहीं लिया सबको माफ कर दिया सिवाय चंद आदमियों के तो ये है खुजल अफ तो तीन के रास्ते में भी खुजल अफ और आम जिंदगी के मामला में भी हुजिल अफ यानी कि लोगों के साथ आसान मामला करें लोगों के अख्लाक में से जो चीज आसान हो वो ले लें यानी के लोग जैसे हैं ना उनको वैसे ही एक्सेप्ट कर लें उनसे ऐसी चीज का मुतालबा ना करें जो वो कर ही ना पाए जिससे वो मुशक्कत में पड़ जाए जो उनकी बस के बाहर हो यानी के नरमी और शफ़क़त का मामला करना है हमें लोगों से ऊंची ऊंची एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी चाहिए देखे ना दुनिया में रह रहे हैं मुख्तलिफ तरह के लोग मिलते हैं मिजाज सबके के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट मिजाज के लोगों से जो है वास्ता पड़ता है कोई हमारे लिए हमारा मुआफिक होता है कोई हमारा मुखालिफ होता है कोई दोस्त होता है कोई दुश्मन होता है बल्कि देखे करीब तरीन लोग जो होते हैं दोस्त जो होते हैं उनसे भी ऐसी चीजें ऐसी बातें होती रहती हैं जो कि हमें नागवार गुजर जाती है ना तो हर नागवार चीज पर इंसान दूसरे की अगर पकड़ करना शुरू कर देना तो जिंदगी जो है बहुत ही मुश्किल हो जाएगी खुद हमारी भी और जिस जिस पर हम पकड़ कर रहे हैं उसकी भी तो जिंदगी को आसान खुशहाल बनाने के लिए अल्लाह ताला ने जो तालीम दी है वो है अफ और दरगुजर करने करने की बात खुजिल अफ यानी कि सख्ती इख्तियार ना करना बल्कि मामला में आसानी इख्तियार करना लोग जैसे हैं उनसे वो चीज़ वैसे ले लेना एक्सेप्ट करना लोगों को जैसे हैं वैसे लेकिन अब इसमें यह नहीं कि अब दरगुजर का मतलब ये नहीं कि अगर कोई गलत काम करता जा रहा है कर रहा है तो फिर उसे गलत करने दे बल्कि आगे क्या फरमाया खुजिल वा अमुर बिल उर्फ और हुक्म दीजिए नेकी का व अमुर बिल उर्फ नेकी का हुक्म दीजिए ये जो है आ, आ, उर्फ क्या है उर्फ कहते हैं नेकी को है ना व बिल उर्फ यानी कि नेक उर्फ किसे कहते हैं वो बात जिसका अच्छा होना फितरत इंसानी पहचानती यानी कि इंसान की फितरत भी जानती है कि ये बात अच्छी है और शरीयत जो है शरीयत वो भी उसकी तयद करती है इसको उर्फ कहते हैं तो लोगों को अच्छी बातें बताओ अच्छे कामों की रहनुमाई करो जो दूसरे शख्स ने जो आपके मिजाज के खिलाफ बात की है ना जो गलती की है उस पर हम क्या करेंगे बस परेशान होके बैठ जाएं, अपने सर पर सवार कर लें नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए बल्कि अपने दिल और दिमाग पर सवार करने की बजाय क्या करना चाहिए खुजिल अफ दरगुजर करना चाहिए लेकिन उसको साथ साथ समझाना भी चाहिए समझाने का काम नहीं छोड़ना चाहिए उसको जो है उसकी रहनुमाई निकी की तरफ करते रहना चाहिए ये बात बताई जा रही है और तीसरी चीज क्या करनी है वो अनिल जाहिन और एराज कीजिए जाहिलों से कोई बेवकूफ़ी जाहिलों वाला रवैया इख्तियार करता है हमारे लिए तो बदले में हमें क्या करना है उन्हीं के जैसा जाहिलों वाला रवैया नहीं इख्तियार करना है बल्कि क्या करना है उनसे एराज अहमक लोगों से झगड़ना नहीं है उनसे के साथ बहसों में नहीं पड़ना है और देखे ना अल्लाह ताला ने नेक बंदों की सिफात बयान की है सूरह फुर्कान में आयत 63 में क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला के नेक लोग कौन होते हैं वइजा जाहिलून इजा सलामा और जब उनसे जाहिल लोग मुखातब होते हैं वो कहते हैं सलाम

और ये ओयना ने क्या है अपने भतीजे से कहा कि वो हज़रत उमर रजी रजील तु से उनकी मुलाकात की इजाज़त तलब करें तो हुर जो है वो गए और उन्होंने इजाज़त तलब की तो हज़रत उमर रजी अल्लाह रजील्ला इजाज़त दे दी मिलने की उनसे ओयना से लेकिन जब ओयना जो है वो अंदर आए तो हजरत उमर रजी रजील्ला से कहने लगे ए इबन खत्ताब बात ये है कि अल्लाह की कसम तू हमें ना ज्यादा अतिया देता है और ना हमारे बारे में अदल के साथ फैसला करता है तो सोचे ना कितनी गलत बात बोली तो ये सुनकर हजरत उमर रज़ीला तुम गजब गजबनाक नाक हो गए उन्हें बहुत गुस्सा आया के, और उन्होंने उन्हें मारने का इरादा कर दिया पिटाई करने का तो हुर ने अर्ज किया कि ए अमीर मोमिनीन अब हुर जो है वो आ गया और उन्होंने क्या कहा कि ए अमीर मोमिनीन अल्लाह ताला वसल्लम ताला से फरमाया हैज विलमारूफ वन जा और ये शख्स जो है ये भी जाहिलों में से है इसलिए ऐसी बात कर रहा है और हजरत इबन अब्बास रजियाल कहते हैं कि अल्लाह की कसम जिस वक्त हुर ने इस आयत करीमा की तिलावत की हजरत उमर तआला अनु उसे सुनने के बाद जर्रा बर भी जो है आगे ना बढ़े फौरन अपना गुस्सा छोड़ दिया तो हज़रत उमर रजी अन्हु जो थे वो अल्लाह की किताब के पास ठहर जाने वाले थे यानी उसके मुताबिक अमल करते और उस में जो दिए हैं उसके आगे ना बढ़ते थे तो ये एग्जाम्पल हु अफ का तो क्या बात हुई इस आयत में बहुत इम्पोर्टेंट आयत था इसका क्या खुलासा हुआ तीन बड़ी बड़ी हिदायत हमें जिंदगी गुजारने के तरीके इसमें बताए हैं पहला वाला क्या है अफ के दरगुजर इख्तियार करो आप वसल्लम से भी ये बात कही गई और आपकी उम्मत से भी ये बात कही जा रही है कि दरगुजर इख्तियार करो अपना जो फर्ज आपको जो फर्ज दिया हुआ है उसको अंजाम देने के लिए दीन की दावत का काम करने के लिए अफ़ को अपनी आदत बना लो और सिर्फ दीन की दावत के लिए नहीं बल्कि जिंदगी के हर मामले में ये जो हसलत है हमारे अंदर रच बस जानी चाहिए आफ, अफ इख्तियार करने की आदत और दूसरा लोगों को नेकी का हुक्म देना और जाहिलों से एराज बरतना वो आरिज अनिल जाहिली सुबहान अल्लाह ये आयत बहुत इंपॉर्टेंट है आयत 200 हंड्रेड इम्मा और अगर वसवसा आए आपको मिनशानी शैतान की तरफ से नजगुन कोई वसवसा बस ताइज बिल्ला बस पनाह तलब कीजिए अल्लाह की इन बेशक वो समी उन खूब सुनने वाला है अलीम उन खूब जानने वाला है व वा इम्मा का और अगर वसवसा आए आपको ये जो है हैगन्नका नजगा से है नजगा किसे कहते हैं दो चीजों के बीच में फसाद डालना बिगाड़ डालना या दखल अंदाजी करने को भी कहते हैं या उंगलियों के पोरों से गुदगुदी करना जो होता है ना वो भी नजगा होता है इस, इसका मायना क्या लिया गया है वसवसा डालना उकसाना हुँ? क्योंकि ये वसवसे जो डालता है शैतान तो, उकसाता जो है ये भी तो शैतान की गुदगुदी होती है ना इसी तरह शक में मुब्तला करना ना फरमानी का हुक्म देना ये सारे इसके मायने में आ जाते हैं तो फरमाया और अगर वसवसा आए आपको शैतान की तरफ से कोई वसवसा हम्म न का नज गुन तो क्या करना है यानी कि शैतान अगर अब के पीछे क्या बात हुई थी खुजुल अफ की बात हो रही थी ना के दरगुजर इख्तियार करो और नेकी का हुक्म दो अब क्या होता है कोई हमारे साथ बुरा करता है और हम उसे दरगुजर करने चलते हैं उसे माफ करने चलते हैं तो क्या होता है शैतान फौरन आ जाता है वसवा से डालने लगता है उकसाने लगता है कि क्यों माफ़ कर रहे हो उसे इसने तो तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा कहा तुम्हें ऐसे ऐसे बुरा करा तुम्हारे साथ तो ये तो माफ़ी के लायक है ही नहीं तो इस तरह जब वो वसु से डालता है तो इंसान क्या है उसकी बातों में आ जाता है रुक जाता है निकी करने से माफ करने से है ना तो यह यहीं, यहीं पे इसका इलाज क्या बताया जा रहा है अगर वस वसा है आपको शैतान की तरफ से कोई बस अगर शैतान जो है तुम्हें नादानी पर बदसलूकी करने पर उभारे तुम्हें गुस्सा दिलाए दिल में वसवसे डाले या नेकी का काम छोड़ने पर उकसाए बुराई कम करने पर उकसाए तो क्या करो जब ऐसे शैतान ऐसा वसवसल डाले बस ताइस बिल्ला बस पना तलब कीजिए अल्लाह की अल्लाह से मदद मांगिए इस कहते हैं किसे अयाज का मतलब है सहारा लेना पनाह लेना शर से हिफाजत तलब करना तो अल्लाह से मदद मांगिए उस वक्त शैतान के वसवसों के मुकाबले में अल्लाह की पनाह लेनी चाहिए शैतान से हम लड़ नहीं सकते है ना शैतान से लड़ने की बजाय क्या करना है अल्लाह से दुआ करनी है और दुआएं हमें बहुत सारी सिखाई गई हैं कि कैसे बच सकते हैं सुरमोम नाइन्टी में दुआ आती है क्या है वो दुआ बकर रबी का बिन का आप कह दीजिए ए मेरे रब मैं शैतान के से आपकी पनहा में आता हूँ और इस बात से कि वो मेरे पास हाजिर भी हो तो ये दुआ याद करें और इसको पढ़ा करें इसी तरह मवजतन पढ़ा करें ताकि अल्लाह तुरे ख्याल से हमें निजात दिलाए शैतान तो देखे आता है हमारे जब नेकी के काम करने चलते तब भी व उसे डालता है और बुराई करते वक्त तब भी वह हमें खूब खूब उभारता है बुराई करने पे गुस्सा भी दिलाता है बदगुना गुमानिया लोगों के अगेंस्ट बदगुमानिया भी डालता है और दिलों में बेचैनी क्रिएट करता है पैदा करता है है ना बुरे बुरे ख्याल डालता है इंतकाम लेने पर हमें उकसाता है तो ऐसे में क्या करना है अल्लाह की तरफ रुझू करना है अल्लाह से दुआ करनी है फसत बिल्ला अल्लाह की पनाह में जाना है इन नमयियम बेशक वो खूब सुनने वाला है खूब जानने वाला है अल्लाह खूब सुनने वाला है खूब जानने वाला है जानता है तुम्हारे हालात तुम्हारी क्या मुश्किलें हैं तुम्हारे दिलों में क्या क्या उठ रहा है कैसे वसुसे हैं खूब जानता है अल्लाह तला और खूब सुन भी रहा है दुआ तो करके देखो सच्चे दिल से दुआ करो अल्लाह तला तुम्हारी दुआ भी सुनेगा तो क्योंकि अल्लाह तला तो समयलीम है तो कोई भी बात हो कोई भी मुश्किल हो कुछ किसी भी तरह के वसुसे आ रहे हो अल्लाह की तरफ रुजो करो उसी की तरफ पलटो उसी से दुआ कर नेक्स्ट आयत देखते हैं आयत 201 हंड्रेड वन इन लजीन तकाउ बेशक वो जिन्होंने तकवा किया इजा जब मसहुम छू जाता है उन्हें तो इफुन कोई ख्याल मिन मिनस्षय, शैतानी शैतान की तरफ से तजक करो तो वो चौक पड़ते हैं इदा फिर यकायक वो देखने लगते हैं क्या फरमाया जा रहा है इन न लदी बेशक वो जिन्होंने तकवा किया यानी के जो मुतकी नेक लोग होते हैं इजा मस जब छू जाता है उन्हें कोई ख्याल जब ये जो है ना मससाह मस कहते छूना तो जब उन्हें कोई ख्याल छू जाता है तोइफन ये तो है ना ये तवाफ से है बेसिकली तवाफ किसे कहते हैं घूमने को कहते हैं ना चक्कर लगाने को घूमना तो यहाँ क्या मुराद है ख्याल यानी कि शैतान का वसवसा शैतान का चौका रात को जो ख्वाब में आने वाले ख्याल होते हैं वो भी तोइफ होते हैं और ये जो शैतान के वसवसे होते हैं क्या चक्कर लगाने वाले होते हैं ना क्योंकि बार बार आते हैं पीछा छोड़ते ही नहीं है है ना इसलिए अच्छा ये जो है ना यहाँ पे तोइफन एक के रात में इसको तोइफुन भी पढ़ा गया है और दूसरी किरात में इसको जैसे यहाँ पे है तो तोआईफन पढ़ा गया है और दोनों ही मशहूर किरात हैं और कहा गया है कि दोनों के मायने एक ही हैं और ये भी कहा गया है कि तो दोनों के मायने में फर्क है तो कुछ उलमा ने इसके मायने गजब के बताए हैं कुछ ने शैतान के आसिफ जदा होने के बताए हैं बाज ने इसका मायना क्या किया है गुनाह का इरादा करना और बाद ने क्या मायना किया है गुनाह में मुब्तला हो जाना ठीक है तो इसके ये डिफरेंट डिफरेंट मायने हैं लेकिन तो यहाँ पे क्या मुराद है इसके ताइफ उनकी वसवसे जो ये जो है ना ख्याल आ जाए वसवसा जो आता है शैतान लगाता है ठीक है तो तो जब उन्हें शैतान की तरफ से कोई आता है तो नेक लोग क्या करते हैं जो मुतकी लोग होते हैं शैतवानी तजक करूँ वो चौक पड़ते हैं तजक करू यानी के तजक का क्या मतलब होगा यानी वो अल्लाह के आजाब उसके जो अल्लाह ताला की जो नेकी के बदले सवाब है अल्लाह ताला के जो वादे हैं वाइदे हैं उनको याद करने लगते हैं और तौबा करते हुए अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं अल्लाह ताला की पनाह मांगते हैं और जल्दी जो है उससे अल्लाह ताला से लॉ लगा लेते हैं ऐसे में जब उसको शैतान के वसवसे आ रहे होते हैं तो है, है ना यानी कि वो तजक में क्या है वो मुतनबे हो जाता है इंसान समझ जाता है कि ये जो है वसवसा ये शैतान की तरफ से है ये शैतान का शर है उसे वो याद आ जाता है फौरन ये बात और जब वो याद आ जाता है तजक करो फैजा हो मुबसिरून फिर यकायक वो देखने लगते हैं देखने लगते हैं मुबसिरून क्या मतलब यानी के फौरी तौर पर उनको बसीरत हासिल हो जाती है हम्म देखने लगते हैं बसीरत पाकर अपनी गलती फौरन पहचान जाते हैं कि ये तो मैंने गलत कर दिया और फौरन जो है तौबा करने लगते हैं अल्लाह की तरफ रुजू करने लगते हैं अल्लाह को याद करने लगते हैं गुस्सा जो आ रहा होता है उसे छोड़ देते हैं गुनाह में जो पड़ गए होते हैं उसे फौरन छोड़ देते हैं अपनी जो है अमल की सलाह कर लेते हैं और सीधे रास्ते को वो इख्तियार कर लेते हैं ये ये मायने आ जाते हैं इसमें फैज़ा हों मुबिर तो देखिये तकवा और अल्लाह का जिक्र जो है ये बहुत कीमती चीजें हैं तकवा ही है जिसे इख्तियार करने से इंसान जो है ना शैतान की शर से वसवसों से महफूज हो जाता है जिसकी वजह से इंसान की आंखें खुल जाती हैं और वो सही गलत में फर्क समझ जाता है उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अल्लाह का जो जिक्र है वो एक मजबूत किले की तरह होता है जो शैतान के वसवसों से बचाता है आयत नेक्स्ट टू जीरो तू देखते हैं। और भाई उन शैतानों के यमुद्दू नम वो खींचते हैं उन्हें फिलग उ में फिर ला युरो नहीं वो कमी करते अब ये जो बात हो रही है वह अखबान और भाई उन शैतानों के भाई उनके इनके उन शैतानों के अब बेसिकली ये कुफार मुश्रकिन की बात भी है यहाँ पे और उन लोगों की भी जो अल्लाह का तकवा इख्तियार नहीं करते जो अल्लाह की हिफाजत में पनाह नहीं लेते और शैतान की मुखालफत नहीं करते तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है वह एक और भाई उनके यानी के उन शैतानों के भाई उन्हें फिलगई वो खींचते हैं उन्हें गुमराही में शैतानो के जो भाई हैं वो उनको गुमराही की तरफ खींचते हैं अब शैतानों के भाई कौन होते हैं शैतानों के भाई शैतानों में से भी हो सकते हैं इंसानों में भी होते हैं इंसानों में होने की क्या दलील है सुना बनी इसराइल आय ट्वेंटी में आता है इन नबरी अकान शयातीन के बिलाशुबा फूल खर्ची करने वाले शैतानों के भाई हैं फजूल खर्ची करने वालों को क्या कहा गया है शैतानों के भाई कहा गया है। तो जो लोग शैतान और शैतान के चेलों के पैरोकार होते हैं ना उनकी बात मानने वाले होते हैं उसके बससों पर शैतान की दिखाई राह पर जो चलते हैं तो क्या होता है वो शैतान और शैतान के भाई इनकी मदद करते हैं उनकी गुमराही के रास्ते पर चलने में यहाँ पे जो बात आ रही है ना या मुद्दू नुम वो खींचते हैं उन्हें या मुद्दू ये जो है मदद से मद क्या होता है लंबा करने को कहते हैं ना मद यानी कि ज्यादा कर देना यानी कि शायती क्या करते हैं उन लोगों के लिए उनके गुनाहों को मुजयन करके दिखाते हैं और आसान कर देते हैं और उनको उनकी गुमराही यानी जहालत और हमकत में इजाफा कर देते हैं उनको जो है इन गुमराहि के रास्तों पर चलने में इनकी वो मदद करते हैं उसको गुमराहि के रास्ते में और ज्यादा बढ़ा देते हैं ठीक है सुम्मा लायुकसर फिर नहीं वो कमी करते हजरत इब्ने अब्बास की ने इस आयत के पाठ की क्या तफसीर की है सुम्मा लाय सरून की यानी ना तो इंसान ही अपने अमाल में कोताही करते हैं गलत काम करने में और ना ही जो शादीन हैं उनका पीछा छोड़ते हैं वो भी पीछे पड़े ही रहते हैं यानी कि ये लोग खुद भी गलत करते हैं और शादी भी उनके गलत काम करने में उनकी मदद करते हैं तो क्या बात हुई कि ये लोग जो हैं गलत काम करने से गलत अमाल करने से उकताते भी नहीं हैं और ना बाज आते हैं और शैतान की डाली गुमराही के मुताबिक वो अमल करते ही रहते हैं और ज्यादा बुराई बढ़ जाते हैं ये बात समझाई जा रही है इस आयत में ठीक है नेक्स्ट आयत देखते हैं आयत टू जीरो थ्री व ईजा तहिम और जब नहीं आप लाते उनके पास भी आयतिन कोई निशानी कौलू, वो कहते हैं लव लज तबई तहा क्यों ना चुन लाया तू उसे कुल कह दीजिए इन नमा बेश मैं पैरवी करता हूँ मायूहा उसकी जो वही की जाती है रब भी तरफ मेरे, मेरे मेरे रब की तरफ से हाजा ये बसाइरु बसीरत की बातें हैं मे रबी कुम तुम्हारे रब की तरफ से वाहुद व वा रहमा और हिदायत और रहमत उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं वमता भी आया और जब नहीं आप लाते उनके पास कोई निशानी अब इस आयत में जो शैतान की पैरवी करने वाले हैं यानी कि मुशरीकी मक्का की बात हो रही है हुँ? वो जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निशानियां मांगते थे मौत से तलब करते थे तो देखिये आप वसलम की सीरत से हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने आप आपलम के हाथों कई तरह के मौजे जो है जाहिर किए और आपने इन कुफार को दिखाए भी और उसमें से एक बड़ा मौजा क्या था चांद का शक होना दो टुकड़े हो जाना जो इन मक्का वालों ने भी देखा और इवन मुसाफिर जो बाहर से आ रहे थे उन्होंने भी अपने रास्ते में देखा क्लियर मौजा था लेकिन इन सब के बावजूद जब किसी को बात माननी नहीं है ना तो बस वो बहाने ढूंढता रहता है ऐसे ही ये मुश्रिक मक्का आपसे इस तरह की बातें करते थे मौजे मांगते थे और क्या बातें करते थे जैसे कि में बताया जा रहा है, तहा, क्यों ना चुन लाया तू उसे यानी कि जब आप उनके पास कोई निशानी नहीं लाते कोई मौजा नहीं लाते खिलाफ आदत कोई बात नहीं आती इनके पास तो ये लोग क्या कहते के? लउ लच तबई क्यों ना चुन लाया तू उसे इश्तबा कहते हैं किसी चीज को छाँट लेना चुन लेना और यहाँ क्या मायने की है कि तुम जो हो आप ससलम को क्या कहते हैं ये लोग कि तुमने उसे इजाद क्यों नहीं कर लिया अपनी तरफ से क्यों नहीं बना लाते कोई निशानी यानी कि ये कुफार जो है आप ससलम से जबरदस्ती का मुतालबा करते कि बस हर सूरत कुछ ना कुछ बस बस जो है हमें पेश करके दिखाओ कोई निशानी कोई मजा दिखाओ तो इसका क्या जवाब दिया फरमाया के, कह बेशक मैं करता हूँ मेरे, मेरे तो उसी की पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ मेरा रब वही करता है यानी के मैं जो हूँ किसी भी चीज में अल्लाह ताला से पेश कदमी नहीं कर सकता बल्कि मैं तो सिर्फ उस बात की पैरवी करता हूँ जिसका मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है जो हुक्म मेरी तरफ आते हैं उसी की पैरवी करता हूँ मेरी तरफ जो वही आती है उसी की मैं जो हूँ इताद करता हूँ अल्लाह जो निशानी भेजता है मैं उसे कबूल कर लेता हूँ और जो नहीं भेजता तो मैं खुद से उसका सवाल नहीं करता सिवाय उसके जिसके अल्लाह मुझे ज्यादा तथा फरमा दे तो मैं तो वही के मुताबिक ही जो है दिखाता हूँ या बताता हूँ जो भी करता हूँ हाजा बसा मब ये बसीरत की बातें हैं तुम्हारे रब की तरफ से व वाहुम वरमतौमी और हिदायत और रहमत है उन लोगों के लिए जो ईमान लाते आगे बात बताई जा रही है हाजा बसा ये बसीरत की बातें हैं बसीरत की बातें हैं तुम्हारे रब की तरफ से देखे बसीरत की जमा होता है बसा और बसीरा कहते हैं किसी चीज का जाहिर होना यहाँ तक के इंसान उसे देख ले और हिदायत पा ले यानी कि सलाम इनको क्या बता रहे कि ये जो तुम मुआवजे मांगते हो तो सबसे बड़ा मुआवजा तो ये क्या है कुरान है जो मिला है मुझे सबसे बड़ा मुआवजा और ये काफी है तुम्हारे लिए जिसमें क्या है कुरान में हाजा बसायरु ये बसीरत की बातें हैं इसमें कुरान मजीद में इसमें हर तरह की हमते हैं समझबूझ की बातें हैं दलाइल हैं हक को पा लेने के लिए कुरान ही काफी है और इस कुरान में क्या है वाहुदाऊ वाहुदा और हिदायत वाहमतन और रहमत है लेकिन किसके लिए है लिकौमी उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं ईमान लाने वालों के लिए है ईमान लाने वालों के लिए ही ये जो है ये कुरान मुआवजा है कुरान जो है हिदायत का जरिया है और बाईस रहमत है जो ईमान लाते हैं इस पर उन्हीं के लिए है जो इसकी तस्दीक करते हैं जो इस पर अमल करते हैं लेकिन जो हर धर्म है तकबर का शिकार है जिनको बात समझनी नहीं है ना समझना चाहते हैं तो फिर कुरान उनको हिदायत नहीं देता कुरान से हिदायत उसी को मिलती है जो अपना तकबू और के जो पर्दे उनके ऊपर चढ़े हटा कर अपना दिल और दिमाग खोल कर हक की तलाश में इसकी तरफ आते हैं इसमें जो बताया गया है उसको एक्सेप्ट करते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे लोगों के लिए ही फिर हिदायत के रास्ते खुलते चले जाते हैं और हिदायत का रास्ता आसान भी हो जाता है और ऐसे ही लोगों पर फिर अल्लाह की रहमत भी नाजिल होती है सुबह तो ये है कुरान अगली आयत देखें आयत 204 व इज़ा क़रीअ अलक़ुरआन फस्तमिअऊ लह और जब पढ़ा जाए कुरान पर बस गौर से सुनो उसे वअंसितू और खामोश रहो लअल्कुम तुरहमुन ताकि तुम तुम रहम किए जाओ आप यहाँ पे क्या बात बताई जा रही है अभी कुरान की बात हो रही थी ना पीछे तो सुबह अल्लाह कुरान मजीद एक अजीम किताब अल्लाह ताला की तरफ से भेजी हुई है ना अल्लाह ताला का कलाम तो इसकी ताज़ीम और एहतराम के पेश नजर जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तो उसे गौर से सुनो और खामोश रहो व ईलान गौर से सुनना है कान लगा कर सुनना है जब भी कुरान पढ़ा जा रहा हो और खामोश रह कर सुनना है कुफारे कुरैश की तरह नहीं कुफारे कुरैश क्या करते थे क्या कहते थे क्या वो कहते थे जैसे सुरह हामिम सज्दार ट्वेंटी सिक्स में आता है वो लोग कहते थे लातसमाऊ वल गौफी कि इस कुरान को सुनो ही ना सुनाई ना करो और शोर वुल करो यानी कि जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तो ये मुश्री ने मक्का मक्का क्या करते थे खुद भी नहीं सुनते थे और क्या कहते थे कि खूब शोर वुल करो ताकि कोई भी इसको सुन ना पाए क्योंकि जब कोई सुनेगा कुरान को तो उसका असर दिल पर पड़ेगा ना और जब दिल पर असर पड़ेगा तो लोग की जिंदगी बदल जाएंगी वो लोग ईमान ले आएंगे इसलिए सुन नहीं मत दो तो हमें क्या हुक्म दिया जा रहा है जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तो क्या करना है गौर से सुनना है, खामोश रहकर। हो बाज उलमा ने कहा कि दौरान नमाज किरात की, की तरफ इशारा है ये कल भी कहते हैं जब लोग नमाज नमाजों में जन्नत जहन्नम का जिक्र सुनते तो अपनी आवाज बुलंद करने लगते तो ये, मतलब वो उनका कहना है कि ऐसा नहीं करना है गौर से सुनना है जब कुरान पढ़ा जा रहा हो इबन मसूद कहते हैं कि उन्होंने कुछ लोगों को सुना वो इमाम के साथ साथ पढ़ रहे थे तो जब उन्होंने सलाम फेरा तो उन्होंने कहा क्या अभी वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह के कलाम को समझो क्योंकि अल्लाह का फरमान है सईद बिन जुबैर वो क्या कहते हैं कि ये आयत खुतबे से मुतलिक है वो ये भी कहते हैं कि ये ईद कुर्बान फितर, जुमा और उन नमाजों से मुतलिक है जिनमें जहरी किरा की जाती है उमर बिन अब्दुल अजीज कहते हैं कि हर वाइज की बात को सुनने के लिए खामोश होना वाजिब है तो इसमें मेनली क्या बात बताई जा रही है इस आयत में कि जब भी कुरान पढ़ा जा रहा हो तो उसको खामोशी के साथ पूरी तवज्जो से कान लगाकर गौर से सुनना चाहिए और इसका फायदा क्या होगा ताकि तुम पर रहम किया जाए अल्लाह की रहमत का जरिया है ठीक है रहम तभी होगा ना जब इंसान गौर से सुनेगा सुनेगा तो वो बात उसको समझ में आएगी समझ में आएगी तो उस पर अमल करेगा और जब अमल करेगा तो रहमती रहमतें हैं रहमती रहमतें हैं जिंदगी में है ना और आकरत में भी रहमत का जरिया बनेगा जब हमारे अमल दुरुस्त हो जाएंगे तो ये बात होगी नेक्स्ट आयत देखते हैं आयत टू जीरो फाइव। कुर फी नफसिक और जिक्र कीजिए अपने रब का अपने दिल में वही फतन और खौफ से जहरी और बगैर बुलंद मिनल कौली आवाज के और बगैर बुलंद आवाज के बिल गुदुवी सुबह के वक्त वल आसाली और शाम के वक्त वला तकुम मिनल गाफिलीन और ना हो आप गाफिलों में से अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट बात बताई जा रही है कि वस्कुर रब्बका फी नफ्सिका तदर्रुआं वखीफा वदूनल जाहरी मिनल कौली बिल गुदुवी वल आसाली अपने रब का जिक्र कीजिए कैसे अपने दिल में आजजी और खौफ से और बगैर बुलंद आवाज के वज़कुर और जिक्र कीजिए अब जिक्र में सारी चीजें आ जाती हैं आप अल्लाह ताला की तस्बीहात कर रहे हैं कुरान पढ़ रहे हैं या जो है सुबह शाम के अजकार हैं ये भी हैं तो या जो भी है अल्लाह ताला का जिक्र सब आ जाएगा इसमें है ना और जिक्र कीजिए अपने रब का पहली बात क्या हो रही है अपने दिल में आजी और खौफ से आप देखें इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है ऐसा ना हो कि जबान पर तो अल्लाह का नाम है सुबह सुबह अल्लाह सुबह पढ़े जा रहे हैं पर दिल जो है कहीं और मशगूल है दिल में अल्लाह की याद है ही नहीं है तो ऐसा नहीं होना चाहिए दिल को हाजिर रखते हुए अल्लाह का जिक्र करना है अपनी जबान से गाफिल दिल से जिक्र अज़कार दुआ वगैरह नहीं करनी है ये बात बताई जा रही है तो दिल को हाजिर रखते हुए अल्लाह का जिक्र करें कैसे आज़ी करते हुए हुए अपने आप को छोटा जाहिर करते हुए अपनी मस्किनी का इजहार करते हुए तवाजो के साथ अल्लाह का जिक्र करें ठीक है तदरुआ और दूसरा कैसे वकीन और खौफ से यानी के अल्लाह का डर खौफ रखते हुए अल्लाह का जिक्र करें अपने बुराइयों को के बारे में अपने गुनाहों का सोच कर कि इसका जो है किस तरह अल्लाह अजाब देगा अगर मैंने अपनी इसलाह ना करी इस अल्लाह ताला के अजाब से भी डरते हुए अल्लाह ताला का जिक्र करें हम्म अल्लाह ताला की जो शान और अजमत है उसको याद करते हुए हाँ अल्लाह ताला की किबरियाई को याद करते हुए और उससे डरते हुए अल्लाह ताला का जिक्र करें वा जहरी मिनल कौली और बगैर बुलंद आवाज के यानी के बग़ैर बुलंद आवाज के में क्या मतलब आ जाएगा चीख चीख कर नहीं बुलंद आवाज से नहीं अल्लाह का कर जिक्र करें चीख चीख कर जैसे कुछ लोग जो है दुआएं मांगते हैं या बहुत ही चिल्ला छिल कर जो है जिक्र अजकार करते हैं इसका क्या नुकसान होगा बुलंद आवाज से आ, करने से देखे इसमें एक तो रियाकारी का पहलू आ जाता है और ये अदब के खिलाफ भी और सुन्नत के खिलाफ भी ये बात है इस तरह बुलंद आवाज में चीख चीख कर करने से जिक्र अल्लाह का और अगर इंसान बग़ैर बुलंद आवाज के करेगा तो इखलास भी ज्यादा होगा उस जिक्र की कबूलियत भी ज्यादा होगी उस दुआ की कबूलियत भी ज्यादा होगी और ये ही अदब है हुँ? तो इसलिए बग़ैर बुलंद आवाज के अल्लाह ताला का जिक्र करना है कब बताया है आसाल सुबह के वक्त और शाम के वक्त किसे कहते हैं गुतुफ कहते हैं जो फजर का वक्त जब शुरू होता है ना तो शुरू फजर से आफ्ताब तक और आसाल किसे कहते हैं असर से लेके सूरज सरुप होने तक और आप जानते हैं यही जो है सुबह शाम के असकार का वक्त होता है अल्लाह ताला की तस्बीहात का वक्त होता है अल्लाह के जिक्र का वक्त होता है ठीक है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी ना कि आप सुबह शाम के असकार इन औकात में करते थे तो हमें भी इनका अहतमाम करना चाहिए इन औकात में हमें भी अस्कार करने चाहिए सुबह शाम के अस्कार, इनका अहतमाम करना चाहिए सबसे पहले तो देखिए क्या फायदा होगा अल्लाह ताला की रजामंदी हासिल होगी हम्म हम अल्लाह ताला का हैं ना कि इसमें हुक्म दिया जा रहा है सुबह शाम जो है अल्लाह तला की जो है जिक्र करना है फिर बड़े अजर सवाब का सब सबब है ये सुन्नत की इतबा है आपसे सलम भी करते थे और फिर अल्लाह तला की तरफ से हिफाजत भी हासिल होती है इंसान को तो इस चीज का हमें एहतमाम करना है सुबह शाम के असकार और तस्बीहात का ठीक है वला तकुम मिनल और ना हो आप गाफिलों में से गाफिलों में से ना हो जाए ये जो है सुबह शाम की तस्बीहात सुबह शाम अल्लाह ताला को याद करना ये मामूल बना लें और गाफिलों में से ना हो जाए और सुबह शाम कह के, के सिर्फ सुबह शाम नहीं होता है इससे जो है अरब अरबों में ये आम मुहावरे के तौर पे भी इस्तेमाल होता है सुबह शाम से मतलब हर वक्त है ना हर वक्त ही अल्लाह ताला को याद रखें तो गाफिलों में से ना हो जाए हर वक्त अल्लाह को याद रखें इस तरह दुनिया में मशगूल ना हो जाए कि अल्लाह ताला का जिक्र ही भूल जाए अपना नमाज कुरानी भूल जाए अल्लाह ताला की ताद करना ही भूल जाए सोए रहे नमाजों के वक्त पे सुबह के वक्त में सो रहे हैं सर के वक्त में सो रहे हैं नमाजों को छोड़ रहे हैं सुबह शाम के असकार छोड़े हुए हैं तो ऐसे ना हो जाए वल तक मिनिना गिन और ना हो आप गाफिलों में से अच्छा ये जो चीख चीख कर जिक्र अज़कार करने की बात आती है इससे एक हदीस भी, हदीस भी है सही में हज़रत अबू रिवायत करते हैं इस को कि एक सफर में जो के शायद गजवाए खैबर से वापसी का सफर था तो एक सफर में हम लोग हम लोगों ने बहुत ऊंची आवाज से अल्लाह का को पुकारना शुरू कर दिया तो नबी वसल्लम ने फरमाया लोगों इतमान और सुकून इख्तियार करो बेशक तुम किसी बहरे या गायब को नहीं पुकारते हो बल्कि तुम उस जाते ग्रामी को पुकारते हो जो सुनने वाला और करीब है और जिस जाते ग्रामी को तुम पुकारते हो वो तो तुम्हारी सवारी के गर्दन से भी ज्यादा तुम्हारे करीब है अल्लाह सुबहानल्ला तो वाकई वकीम हमारे बहुत करीब है तो वो तो हमारी दिल की बातें भी सुनता है हल्की बातें करते हैं तब भी सुनता है जोर की करते हैं तब भी सुनता है लेकिन हमें जो आदब सिखाया गया है मैं उस तरह पुकारना चाहिए अल्लाह ताला को इस आयत में हमें क्या पता चला सुबह शाम के असकार सुबह शाम अल्लाह ताला का जिक्र कसरत से करना है उसकी यहाँ में तरगीब भी दिलाई गई है और जो आदाब यहाँ बयान किए गए हैं उनके मुताबिक है ना आजजी से खौफ के साथ है धीमी धीमी आवाज में इस तरह से अल्लाह ताला को पुकारना है और गाफिलों में नहीं होना है यानी कि हर वक्त हमें अल्लाह तला का जिक्र असकार करते रहने वाला ऐसे बनना है ठीक है सुबह ये इतनी अच्छी बात यहां बताई गई अगली आयत देखते हैं लास्ट आयत आयत आरोसना इन दरबिका बेशक वो जो आपके रब के पास हैं, ला यस नहीं वो तकबर करतेबादती उसकी इबादत से वो युसफ बेहू और वो तस्वीर करते हैं उसकी वहू और उसी को यस जुदून वो सजदा करते हैं अब पिछली आयत में अल्लाह ताला ने कसरत से जिक्र करने का हुक्म दिया कि अल्लाह ताला को जो है कसरत से जिक्र करना चाहिए अल्लाह ताला का और इस आयत में अल्लाह ताला फरिश्तों की मिसाल दे रहे हैं फरिश्तों की मिसाल जो हर वक्त अल्लाह ताला के जिक्र में जो है मशहूल रहते हैं उनकी मिसाल देकर अल्लाह इंसान को भी तरगीब दिला रहे हैं कि उनके जैसे बनो क्या फरमाया इन नदीना रब्बिका बेशक वो जो आपके रब के पास है रब के पास कौन है फरिश्तों की बात हो रही है मेनली वो फरिश्ते जो मलाय आला में हैं जो अल्लाह के मुकर्रब हैं वो क्या हैं ला तक अन इबादतिही वो मुकर्रब होने के बावजूद अल्लाह ताला का कुरब हासिल करने के बावजूद वो उसकी इबादत से तकबर नहीं करते बल्कि हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं उसकी तस्बीह करते रहते हैं उसकी पाकिजगी बयान करते रहते हैं हम्म वयुस और वो तस्वीर करते रहते हैं उसकी और क्या करते हैं वलहू युद्दून और उसी को वो सजदा करते हैं अल्लाह ताला के आगे झुके रहते हैं ये फरिश्ते जो, है, जो हैं जो मुकर्रम फरिश्ते हैं सोचे अल्लाह ताला ने इनको जो जिम्मेदारी दी गई है जिन कामों पर उनको मामूर किया है वो अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरी तरह अच्छे से खुशी के साथ निभाते हैं और साथ में आजिज भी रहते हैं तवाजो के साथ अल्लाह ताला के सामने झुके रहते हैं सजदा करते रहते हैं और पाकिजगी बयान करते रहते हैं अल्लाह ताला की और देखे ये जो फरिश्ते जिस तरह हर वक्त अल्लाह की इबादत करते हैं ना वो शौक और मोहब्बत के साथ इबादत करते हैं तो हमें भी जो है उनकी मिसाल से सीखना चाहिए उनकी पैरवी करनी चाहिए कि किस तरह जो है वो इतने नेक हैं इतने इबादत गुजार हैं लेकिन उनको अपनी नेकी का भी कोई तकबुर नहीं होता और अल्लाह की इबादत से भी वो जो है पीछे नहीं हटते तो हमें भी अपनी कोई नेकी कर लें या कुछ कर लें उस पर तकबर नहीं होना चाहिए और अल्लाह तला की इबादत से भी हमें मोहने मोड़ना चाहिए हर हाल में हमें तकबुर से बचना है और अपने अंदर आजजी लानी है इंकसारी पैदा करनी है कसर, हमें जो है फरिश्तों की तरह कसरत से अल्लाह की इबादत में रहना है सजदों की कसरत करनी है हमें भी ताकि हमें भी अल्लाह ताला का क़ुरब हासिल हो सके यहाँ पे देखें पहला पुराने मजीद का सजदा आया है यहाँ पे इस आयत में आखिर में जो है आयत सजदा है यहाँ पे आयत सजदा के बारे में देखिए हजरत अबू रजी अल्लाह अबी रिवायत है कि जब आदम सजदे वाली आयत पढ़कर सजदा करता है तो शैतीन रोता हुआ और हाय अफसोस कहता हुआ उससे अहिदा हो जाता है यानी कि जब इस तरह की आयतें आती हैं और इबन आदम जब सजदा करता है तो शैतिन क्या करता है रोता हुआ हाय अफसोस कहता हुआ अलहदा हो जाता है एक और रिवायत से पता चलता है कि शैतान कहता है हाय अफसोस इब्ने आदम को सजदे का हुक्म दिया तो वो सजदा करके जन्नत का मुस्तक हो गया और मुझे सजदा करने का हुक्म दिया गया तो मैंने सजदा करने से इनकार कर दिया मैं जहन्नमियों में से हो गया पुराने मजीद में देखे चौदह या पंद्रह सजदे इसमें इख्तलाफ है कुछ जो है जो सूरा हज में दो सजदे लेते हैं वो पंद्रह सजदे कहते हैं तो अब इन आ, मकामात पर सजदा करना क्या है वाजिब है या सुन्नत है तो बाज कहते हैं कि वाजिब है और बाज कहते हैं कि सुन्नत है जैसे इमाम अबू हनीफा पर रहत वो कहते हैं कि वाजिब है यानी कि अगर आपने सजा नहीं किया इन मकाम पे तो गुना मिलेगा लेकिन बाकी लोग क्या कहते हैं कि सुन्नत है मुस्तहब है यानी कि नहीं भी किया तो कोई गुना नहीं होगा लेकिन देखें इन सजदों का हमें एहतमाम करना चाहिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पे ये सजदा तिलावत वाली आयत आती थी, थी तो वो सजदा करते थे और आप जब सहाबा के बीच जो है बैठ कर तिलावत कर रहे होते थे और सब जब सजदे वाली आयत आती तो आप सजदा करते और सहाबा भी सजदा करते तो वो लोग इन सजदों का अहतमाम करते थे लेकिन सुन्नत है मतलब गुना भी नहीं अगर नहीं करा तो वो कैसे पता चलता है उमर रजी अल्लाह तु जो थे मेम्बर पर खड़े खुदबा दे रहे थे तो सजदे वाली आयत आई सरा नहल की थी शायद तो वो मम्बर से उतरे और सजदा किया अगले जुमा फिर वो ही आयत तिलावत की उन्होंने लेकिन तब उमर सज़दा नहीं किया कुछ लोगों ने सजदा कर लिया कुछ उन्हें नहीं किया तो उमर रजील ने कहा कि जिन्होंने सजदा किया वो भी ठीक है और जिन्होंने नहीं किया उन पर भी कोई गुनाह नहीं है और तो यह हदीस मौकूफ़ हदीस है यानी कि हजरत उमर रजील तला से आई तो हमें भी क्या करना है सजदों की यहाँ अहमियत भी पता चली है सजदों की कसरत करनी है अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए हमें भी अपने सजदे बढ़ाने हैं कैसे बढ़ाएंगे फर्ज तो अदा करना ही करना है नवाफिल की भी कसरत करनी है अल्लाह ताला हम सबको भी मुक्रबीन में से कर दे और सजदा तिलावत की दुआ भी आप लोग को आनी चाहिए ताकि आप पढ़ सके क्या है वो दुआ सजदा लिल्लज़ी फतबारकल्लाहु वजिया फतेसन